Whenever I see your pic, my heart says. Once more! Whenever I see your pic, my heart says. So, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आ गए हैं हम एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में लाइट मोशन एप्लीकेशन से, तो कैसे बना सकते हो, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो लाइट मोशन एप्लीकेशन होगी इसे ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे प्रोजेक्ट में चले जाना, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बीट मार्क वाली प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको मेरे मटेरियल्स डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर देखिए वो वाली जो वीडियो होगी हाउ टू डाउनलोड माय मटेरियल्स, वो वाली वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि कैसे आप मेरे मटेरियल्स लोगों को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट है और इसमें जो शेक इफेक्ट है वो ऑलरेडी एडिड है, तो यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट और शेक इफेक्ट है वो ऐड करके दिया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करनी होगी तो यहाँ पर देखिए माय हार्ट सेज यहाँ पर जो टेक्स्ट होगी इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ए पे चले जाना और यहाँ पर से आप कोई भी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर से आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वो टेक्स्ट जब फिनिश हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बीट मार्क्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर देना। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर देती हूँ, उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट बीट मार्क के पास आ जाना है, प्लस पे चले जाना है मीडिया में, और यहाँ पर देखिए जो डाउनलोड शो हो रहा है तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो जिस भी किसी फोल्डर्स में आपकी फ़ोटो होगी उस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जिस भी किसी फ़ोटोज़ का वीडियो बनाना होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली जो फ़ोटो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बीट मार्क पे आ जाइए और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उससे यहाँ पर देखिए फोटो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम कर देना। अगर आपकी फ़ोटो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए ऊपर 3 डॉट्स मिल जाएगी, इसमें चले जाना और यहाँ पर देखिए फिल कॉम्पोजिशन वाली को ऑप्शन मिल जाएगी तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो होगी वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बैक के जो बीट मार्क्स है उसमें यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर देना, तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दी। अब इन फ़ोटोज़ में शेक वाली इफेक्ट लगाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर बैक चले जाए और ये जो शेक वाली प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो शेक इफेक्ट है इसे कॉपी करने के लिए यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो होगी आपकी उसके ऊपर यहाँ पर देखिए ब्लैक वाली स्क्रीन वाली जो टेम्पलेट है वो मिल जाएगी। तो इसे आपको कॉपी करने के लिए आपको सिंपली एरो के बाजू वाली ऑप्शन पर चले जाना और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी लेयर, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैक चले जाना और अभी जो वीडियो बना रहे थे इस पर ओपन कर लेना और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाली फ़ोटो हमने ऐड किए थे उसके बीट मार्क के पास आ जाइए, यहाँ पर देखिए रेड वाली जो मार्क थी उसके पास, और एरो के बाजू वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट लेयर, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो आपकी फ़ोटो थी उसमें ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर एक फ़ोटो छोड़कर दूसरी वाली जो फ़ोटो होगी उसके ऊपर ये वाली जो इफेक्ट है उसे पेस्ट कर देना है, उसके लिए एरो के बाजू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर पेस्ट लेयर में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने मिडिल में जो फ़ोटो छोड़े थे उसमें एक अलग शेक इफेक्ट आ जाएगी, उसके लिए बैक चले जाइए। शेक वाले प्रोजेक्ट में जो सेकंड वाली फ़ोटो है यहाँ पर देखिए उसके ऊपर ये जो टेम्पलेट लगी हुई है ब्लैक स्क्रीन वाली, इस पर क्लिक कर दीजिए। एरो के बाजू वाली ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी लेयर, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैक चले जाइए और अभी जो वीडियो बना रहे थे उसमें यहाँ पर जो सेकंड वाली फ़ोटो हमने छोड़े थे उसके बीट मार्क के पास आ जाइए, एरो के बाजू वाली ऑप्शन पर जाकर पेस्ट लेयर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये वाली इफेक्ट होगी आपकी फ़ोटो में लग जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है, मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में लाइट मोशन एप्लीकेशन से, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करते हो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।